तो ये वाली समाधि थी बड़े बुबू की, छोटे बुबू की और अम्मा जी की। तो यहाँ पे धुनी है और सामने जो मंदिर आपको दिख रहा है भगवान गोरखनाथ जी का मंदिर है। तो यहाँ आए हैं तो मंदिर के दर्शन भी कर लेते हैं। यहाँ पे बन रहा है दाल और चावल ना, यहाँ पे दाल चावल, इसमें इसमें दाल बन रही है बड़े वाले डेग में, इसमें चावल। अच्छा हाँ, हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि सभी लोग अच्छे होंगे। अभी हो रहे हैं सुबह के करीब 7:30 और हम लोग अपने गांव से काफ़ी आगे निकल चुके हैं और अभी हम लोग हैं एक विद्यालय पे। यहां पे पूरा बोर्ड लगा हुआ है तो अभी नाम पढ़ सकते हैं, राजकीय प्राथमिक विद्यालय परेवा, क्षेत्र पाटी, जनपद चंपावत। तो यहाँ पर हम लोग पहुँच गए हैं। तो हम लोग जा रहे हैं अपने गाँव से आज काफ़ी दूर, तो जिस गाँव में हम लोग जाने वाले हैं वहाँ का नाम है गूंटा और हमारे गाँव से वहाँ की डिस्टेंस है लगभग 25 से 30 किलोमीटर। तो अभी तो हम यहाँ से लेकर रीटा साहिब तक तो पैदल जाएंगे और वहाँ से अगर हमें गाड़ी मिल गई तो गाड़ी पे जाएंगे, नहीं मिलेगी तो पैदल जाएंगे। जो भी होगा अभी आपको ब्लॉग में देखने को मिलेगा। तो हम लोग आज गूंटा में क्यों जाने वाले हैं, तो वहाँ पे है वार्षिक श्राद्ध, तो हम लोग जा रहे हैं अपने रिलेशन में। हमारी एक दादी थी जो कि हमको आज से 1 साल पहले छोड़ के चली गई हैं, तो उन्हीं का वार्षिक श्राद्ध है, तो वहीं पे हम लोग जा रहे हैं। फाइनली हम लोग पहुँच गए हैं रीटा साहिब और अपने पीछे रहा गुरुद्वारा श्री रीटा साहिब और हमारे साथ हैं मामा जी। तो अभी यहाँ से हम लोग निकलेंगे अपनी मार्केट और उसके बाद देखते हैं हमें क्या करना है, गाड़ी मिलती है या नहीं मिलती वो तो मार्केट जाने के बाद ही पता चलने वाला है। और जो हमारे साथ में थे सारे आगे चले गए, मामा जी और मैं पीछे पीछे आ रहे थे क्योंकि मामा जी का ब्लॉग शूट हो रहा था इसीलिए। और मामा जी का चैनल भी आपको यूट्यूब पर मिल जाएगा, तो मामा जी का चैनल है राजेंद्र गोस्वामी ब्लॉग करके, हाँ मामू, हाँ तो मामा जी का चैनल आप लोग सब्सक्राइब करिए। तो बाकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और अगर नहीं मिला तो आप सर्च कर लेना, ताकि मामा जी को सपोर्ट करना। अभी मामा जी स्टार्ट करें तो आप लोग अपना प्यार और सपोर्ट बनाओगे तो उनका चैनल भी आगे निकलेगा। हम लोग मार्केट में पहुंच गए, तो पीछे रही पूरी ईटा साहिब की मार्केट। अभी गाड़ी के लिए पता करते हैं, देखते हैं गाड़ी मिलती है नहीं मिलती है। तो पूरी ईटा साहिब की मार्केट है जैसे होती है यहाँ तक, सामने पंजाब एंड सिंध बैंक और ये पूरी मार्केट है और सामने लगी है गाड़ी, अभी पता करते जाने वाली है नहीं जाने वाली है। फाइनली हम लोग गाड़ी में बैठ गए और हम लोग बैठे हैं शादी वाली गाड़ी में। दूल्हे राजा कौन है मामा जी? आप तो दादा की गाड़ी है सामने से, तो दादा जाते हैं बारात में तो हम इनके साथ जा रहे हैं। फाइनली हम लोग गाड़ी से उतर गए और पीछे सारी बारात की गाड़ियाँ लगी हुई हैं और हम लोग यहाँ से जाने वाले हैं पैदल। और ये पीछे गांव दिख रहा है, ये कौन सा गांव है मेरे को नहीं पता, तो जो यहाँ के मेरे को लोकल देखते हैं यानी कि जो गूंटा के मेरे को देखेंगे वो कमेंट करके बताना कि पीछे कौन सा गाँव है करके, मेरे को नहीं पता। और हम लोग पता कहाँ से जाने वाले हैं? हम लोग जाने वाले हैं इस वाले रास्ते से। मामा जी गए हो आप यहाँ से पहले? बिल्कुल नहीं आली हुआ है तो। अच्छा, कितना टाइम लेगा इस रास्ते से? लगेंगे 20 मिनट बस। 20 मिनट? अच्छा, मैं तो फर्स्ट टाइम जा रहा हूँ इस रास्ते यार। और आपको बाजे की आवाज़ आ रही होगी, तो पूरी बारात भी आ गई है जिस गाड़ी में हम लोग आए थे, तो ये पूरी बारात जा रही है, शायद चक्करपुर जा रही थी बारात। सर बताइए। बढ़िया, चल। फाइनली हम लोग गूंटा गांव पे पहुंच गए हैं और अभी हम लोग छाया पे यहाँ पे बैठे हुए थे, तो अभी हमें एक चाचा जी मिले, तो चाचा जी ने पता क्या बताया कि जहाँ पे हम लोग बैठे हुए हैं तो यहाँ पे आपको मंदिर टाइप के दिखेंगे यहाँ पे तीन, तो इसके बारे में चाचा ने जानकारी दी कि आज से बहुत टाइम पहले जब गूंटा गाँव यहाँ पे बसा होगा तो यहाँ पे सबसे पहले बुबू आए होंगे, तो उनकी यहाँ पे समाधि बनाई है। ये वाली समाधि बड़े वाले बुबू की है और वहाँ पर जो आपको छोटी छोटी दिख रही है वो छोटे बुबू की है। यहाँ पर बीच में एक अम्मा की समाधि है, तो वो कह रहे थे कि सबसे पहले ये लोग आए, इनने ही गांव को बसा रखा है, ऐसा उन्होंने हमको बताया। और हम लोग यहीं पे छाये पे बैठे हुए थे, तो अभी आपको लेके जाएंगे ताऊ जी लोगों के घर पे जहाँ पे हम लोग आए थे, तो पीछे अपना घर रहा, वहाँ पे सारी तैयारियाँ चल रही हैं। और जो गूंटा का पूरा गाँव है वो आगे और ऊपर होगा शायद, अच्छे से मेरे को पता नहीं है, जितना हो पाएगा हम लोग कवर करेंगे। एक बार यहाँ से आपको दिखा देते हैं, तो ये वाली समाधि थी बड़े बुबू की, छोटे बुबू की और अम्मा जी की। तो यहाँ पे धुनी है, बाकी सामने का व्यू कुछ इस तरीके का, और सामने जो आपको गांव दिख रहे पूरी रमक वाली रेंज है। अभी मैं घर के ऊपर वाले हिस्से में आ रखा हूँ, तो यहाँ पे हो रही है खाने की पूरी तैयारी, तो यहाँ पे सभी लोग मिलके काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे पता है क्या बन रही है? यहाँ पे बन रही है शायद सूजी, हाँ यहाँ पे सूजी बन रही है, और ये मीठे के लिए गुड़ कट हो रहा है, ये खीर के लिए कट रहा है, ये सूजी के लिए, सूजी के लिए। अच्छा,
अच्छा सूजी के लिए नारियल काट रहे हैं। यहाँ पे बन रहा है दाल और चावल ना, यहाँ पे दाल चावल, इसमें इसमें दाल बन रही है बड़े वाले डेग में, इसमें चावल। अच्छा हाँ, इसमें टपकिया बना है सामने में, इसमें टपकिया बना है, और यहाँ पे सभी सियाने लोग बैठे हुए हैं। अच्छा इसमें ये है सब्जी, अच्छा पहाड़ की सब्जी। अच्छा और यहाँ पे पूरा आटा लगाया हुआ है, यहाँ पे बन रही है पूरियां, और पूरियां बनेंगी। यहाँ पे बुबू बना रहे हैं चाय। बुबू कौन सी चाय बन रही है, चीनी वाली या गुड़ वाली? चीनी वाली आ रही है। चीनी वाली चाय। अच्छा अम्मा नमस्कार, ठीक है अम्मा? हेलो बेबी, हेलो बच्चे, की नाम है बाबू? तो बुला लेना उन्हें। को नाम को ते नाम की बहनी? रेनू। एक नाम की बहन बता? नेहू। भैया जी बहनी? बहनी भाई सब बहनी, सब बहनी बहनी, यो धनी बहनी यो नेहा। अच्छा हेलो नेहा गोस्वामी। हेलो बाबू, कौन भाई? क्यूट सी बेबी, सरमान है ना वहाँ? अच्छा यहाँ पे बहुत सारी बहनी और भैया भैया है, एक बहनी यहाँ पे, एक बहनी यहाँ पे, इतनी सारी बहनी है, सभी सरमान है कैमरे को देखे। और हमारी ताई, ताई रहती है पूना पे, है ना ताई? और ताई वहीं से हमारी वीडियो देखती है, पूना महाराष्ट्र, पूना महाराष्ट्र। और सबसे छोटी वाली चाची, चाची आपके सरमा रहे हो? पहली बार कैमरे में आने में सारे सरमा जाते हैं, पर धीरे धीरे सबको आदत हो जाती है। अच्छा इजमाई जी, अच्छा नमस्कार, ठीक है? हेलो बेबी, की नाम है बाबू? सौरभ। सौरभ और ये हमारे ताऊ जी, ताऊ जी भी पूना में रहते हैं। अभी हम लोग आ रखे हैं गूठा गांव पे घूमने के लिए अपने मामा जी के साथ। तो मैं आ रखा था अपनी नानी के घर पे, तो जो हमारी नानी है उनकी बड़ी वाली दीदी यानी कि सबसे बड़ी वाली नानी, तो उनका घर है यहाँ पे गूठा पे। तो हमें मामा जी मिले ऊपर जहाँ पे पूरा प्रोग्राम था, तो उनके साथ मैं गूठा गाँव घूमने के लिए आ गया। तो पीछे पूरा आपको गूठा गाँव दिख रहा होगा, यहाँ पे पूरी मशीन चल रही है, तो PMGSY के तहत यहाँ पे रोड भी कटिंग हो रही है। और बाकी ये पूरा नानी जी का घर है, नानी जी तो मेरे को मिल नहीं रही हैं, उनसे मिलने आया था, और साथ में मामा जी हैं, और मामा जी का पूरा घर है। और बाकी सामने का पूरा एक गाँव गूठा का है पूरा एरिया कुछ इस तरीके से, और जितना भी हो पाएगा पूरा गाँव कवर करेंगे। मामा जी नानी कहाँ हैं? नानी तो अभी घर में नहीं है, फिर वो कहीं घास काटने गई होगी। घास काटने गई है, चलें? चलें, चलो फिर। तो अभी चलते हैं मामा जी के साथ। तो यहाँ पे आए थे हम लोग घर देखने के लिए, तो आज मैं फर्स्ट टाइम आ रहा हूँ नानी जी के घर पे। मतलब मेरे को पता तो था कि हमारी एक नानी यहाँ पे रहती हैं, बट मैं यहाँ आया नहीं था, आज मामा जी की वजह से आया। मामू थैंक यू, आपकी वजह से मैं यहाँ पे आ पाया। अखरोट का पेड़ लग गए हैं ये। अच्छा तो मामा जी का अखरोट का पेड़ है, यहाँ पे अखरोट भी होने लग गए हैं, और साथ में यहाँ पे पूरी लकड़ियाँ स्टोर करके रखी हुई हैं क्योंकि जाड़ों में काम आने वाली हैं। और ये कुछ रास्ते जैसे कि नॉर्मली हर गांव के रहते हैं। अभी हम लोग हैं गूठा गांव के खेतों में, ये सारे गूठा गांव के खेत हैं। और सामने जो मंदिर आपको दिख रहा है भगवान गोरखनाथ जी का मंदिर है, तो यहाँ आए हैं तो मंदिर के दर्शन भी कर लेते हैं। तो ये पूरा आपको गूठा गांव दिख रहा है सामने वाला, और खूबसूरत सी पहाड़ी से घिरा हुआ गाँव है, और यहाँ पे है मंदिर। तो मामा जी दर्शन कराने के लिए मेरे को लेके आए हैं, तो दर्शन भी कर लेते हैं और आपको भी करा देते हैं। तो खूबसूरत सा मंदिर, तो जय हो। चलिए मंदिर के दर्शन भी हो गए आज, जय हो, धन्यवाद मामा जी। तो ये पूरा मंदिर प्रांगण है और काफ़ी खूबसूरत, और मंदिर प्रांगण पे प्यारा सा पेड़ जिसकी वजह से यहाँ पे पूरी छाया हो रखी है। मामा जी यहाँ का नाम क्या है जो सामने आपको पूरे घर दिख रहे हैं हमको? ये इसका नाम तालकुड़ा बोलते हैं। अच्छा तालकुड़ा। हाँ अच्छा, ये छोटा सा तो क्या तालकुड़ा लोग रहते हैं। अच्छा
ये भी पूरा गूंठा के अंदर आता है? पूरा गूंठा के अंदर आता है। अच्छा, ये पूरा गूंठा का गांव है और हम लोग भी गूंठा गांव के सेंटर पे है ना? हाँ, सेंटर मंदिर के पास में है। अच्छा, पूरे खेत दिख रहे हैं गूंठा गांव के। और जो सामने जो रोड का ट्री है ना, ये कहाँ कौन से गाँव की रोड है? बालातड़ी से अमली की रोड है वो। अच्छा, जो ये गाँव दिख रहे हैं ये वाले, ये गाँव है सामने रमक है, बालातड़ी है। अच्छा, ये वाला बालातड़ी हो गया। हाँ, ये बालातड़ी है, ये रमक है। अच्छा अच्छा, आइए फिर। तो मामा जी के साथ मैं पूरा गूंठा गांव भी घूम रहा हूँ और साथ में आसपास के जो भी एरिया है वो भी पूरा एक्सप्लोर हो जा रहा है। अभी सभी लोग खाने के लिए बैठ रहे हैं, तो यहाँ पे सभी लोग बैठ रहे हैं, अभी हम भी बैठते हैं खाने के लिए। तो मामा जी लेके गए थाली, तो यहीं पे हम लोग खाएंगे। और गांव में होते तो हम लोग बांटते, पर यहाँ पे अभी हम मेहमान बन के आ रखे हैं, तो सबसे पहले हम ही लोग खाना खाएंगे। तो यहाँ पे हमको बांटने वाले हैं, तो यहाँ पे सभी लोग बैठे हुए हैं। और छाया के लिए आम का पेड़ है, तो यहाँ पे पूरी छाया हो रखी है। यहीं पे सभी लोग खाने के लिए बैठे हुए हैं, यहाँ पे बैठते हैं हम। हमारी सीट के यहाँ पे थी मामा जी, जगह है। मामा जी खाना कैसा, मैंने चेक कर लिया, जबरदस्त मजा आ रहा है। तो मामा जी ने चेक कर लिया, अभी तक मैं सूटी कर रहा था। यहाँ पे सभी को खाना बांट रहे हैं, यहाँ से भैया लोग सब मिलके बांट रहे हैं और यहाँ से सभी बैठे हुए हैं। तो अपने गांव में हम लोग भी इसी तरीके से बांटते हैं, पहले बांटते हैं उसके बाद खाते हैं। और यहाँ पे हम लोग मेहमान तो सबसे पहले खा रहे हैं। वाओ, बस खाने में क्या क्या है, सूजी है, खीर है, दाल चावल है और कुछ भी आने वाला है अभी, और खीर भी आ गई, बहुत सारी चीज़ आने वाली है अभी। अपना खाना कंप्लीट करने के बाद अब हम लोग जा रहे हैं वापस घर को। तो सामने अपनी गाड़ी खड़ी है जो कि चाचा जी की गाड़ी है। हाँ, फाइनली निकल चुके हैं। हाँ, तो दादा बोल रहे हैं फाइनली निकल चुके हैं। हाँ, तो फाइनली हम लोग निकल चुके हैं। तो ये पूरा गूंठा गांव है जो दिख रहा है आपको, और यहाँ पर खूबसूरत घर है, पूरा गूंठा गांव है। और अपनी गाड़ी बता कहाँ पर खड़ी है, सामने वाली पहाड़ी पर। चाचा जी कहाँ पर गाड़ी खड़ी है? हम जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? गाड़ी के दरमियान। अच्छा, और हम आपके साथ हैं। वाह, आइए। अच्छा चाचा जी, किसकी एक्टिंग करी थी ये? हम राजकुमार हैं, राजकुमार, मगर आज हमने लिया है उधार, हम चुका देंगे, चुका देंगे, चुका देंगे, समझे? मजा आ गया, मजा आ गया, दिल खुश कर दिया चाचा जी ने। तो गाड़ी के पास पहुंच गए, तो पीछे चाचा जी की गाड़ी है, तो इतने हम लोग जाने वाले हैं सभी गाड़ी पे। और सामने यहाँ पे पानी था, तो सबसे पहले पानी पी लेते हैं। तो जो रोड कट रही है ये प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत कट रही है, जो कि गूंठा गांव के लिए कट रही है। और ये आ रही है भिंगाड़ा से, है ना भैया, भिंगाड़ा से आ रही है। और ठीक हो? अच्छा, यहाँ से पी सकते पानी, इसको निकालो। गजब, ठंडा ठंडा पानी पी लिया, पूरा मज़ा आ गया, क्योंकि वहाँ से यहाँ आने पूरे थक गए थे। और यहाँ से गूंठा गाँव कुछ इस तरीके के दिख रहा है। तो सामने पूरा गूंठा गांव है ये वाला एरिया। और ये पता नहीं कौन सा तोक है, जो गूंठा गांव के मेरे को देखते हैं वो कमेंट करके बता देना। तो ये पूरा एरिया गूंठा गांव का है। और यहाँ से जो छोटे भाई जा रहे हैं ना, वो मेरे को कॉपी पेस्ट कर रहा है जो मैं बोल रहा हूँ, भाई उसी को रिपीट कर रहा है बार बार। फाइनली हम लोग घर पे पहुंच गए हैं, और घर जाके मैंने पूरा चेंज किया। और चेंज करने के बाद मैं अभी गया था काफल के पेड़ पे, हमारे साथ चाचा जी आए हैं हल्द्वानी से, तो चाचा के लिए मैं काफल तोड़ के लाया था। चाचा और पापा यहाँ पे बैठे हुए हैं, तो चाचा जी के लिए मैं काफल तोड़ के लाया अभी। चाचा कैसे हो रखे हैं? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया हो रखे हैं। मीठे, तो ये रहे सारे काफल। तो इसमें डाल रखा तेल और नमक और मिर्ची। और यहाँ पे पापा बैठे हुए हैं, पापा को खाने नहीं है अभी, पापा ने खा लिए। और मम्मी, मम्मी क्या लेके आ रहे हो? अच्छा, मम्मी पानी लेके आ रहे हैं चाचा जी के लिए। हो रहा है चाचा जी, कैसे हो रहे हो बताओ? बढ़िया हो रहे हैं, मजे आ गए। स्पेशली मैं तुम्हारे लिए उठा के लाया। थैंक यू। मैंने भी काफी ले लिए, तो ये रहे हाथ में, और सच में इतने मस्त हो रहे हैं, मजा आ गया। खट्टे मीठे साथ में नमकीन, कोई जवाब ही नहीं है। तो जो लोग पहाड़ से हैं या फिर
जिन्होंने काफल खा रखे हैं उनको पता होगा इसका टेस्ट कैसा होता है। वो भी पहाड़ वाला नमक हो तो फिर तो क्या ही कहने। कंट्रोल नहीं हो रहा, अभी आराम से काफल खाते हैं। तो अभी मैं अपने रूम पे आ गया हूँ। अब क्या करते हैं, इस ब्लॉग को यहीं पे एंड कर देते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, और इसी तरीके से हमारे कल्चर से हमारे रीति रिवाज से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नीचे लाल कलर का बटन होगा, बाकी घंटी को ऑल कर लो जिससे कि आपको हमारी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। और इंस्टाग्राम पहाड़ी प्रकाश गोस्वामी भी फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर लो। हम आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, नेक्स्ट ब्लॉग पे। तब तक के लिए आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, टेक केयर, बाय बाय, जय देवभूमि, जय उत्तराखंड।